तो यार आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट। यार मैं काफी दिनों से यूट्यूब पे देख रहा था कि काफी गेमर्स ने इस पे काफी वीडियो बना रखे, मतलब आजकल काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है माइनक्राफ्ट गेम। तो यार इसमें बेसिकली होता क्या है, मतलब ये काफी ओल्ड टाइम्स का गेम है, मतलब इसकी ग्राफिक ग्राफिक्स बहुत बेकार है, मतलब ऐसे है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइप गेम है। तो यार हम इस पे ट्राई करते हैं। तो यार एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के, और शायद हो भी सकता है कि मैं इविल विथिन की सीरीज को रोक भी दूं, क्योंकि यार उस पर ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिल नहीं पा रहा है। स्प्लिंटर सेल पे ठीक है, पर हाँ इविल विथिन पे बिल्कुल जीरो रेस्पॉन्स है। तो यार जब तक के लिए हम इसे स्टार्ट करते हैं, जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं माइनक्राफ्ट। तो जल्दी से हमें अपने एक वर्ड बनाना, उसका नाम मैं नाम बताऊँ, जो हमारे चैनल का नाम है डेविल एम्पायर। तो यार हमारा वर्ड हो गया क्रिएट डेविल एम्पायर, क्रिएट न्यू वर्ड। तो यार ये हमारा नया वर्ड क्रिएट हो रहा है। तो यार इसमें हमें करना क्या होता है कि हमें वुड्स कलेक्ट करना होता है, स्टोन्स कलेक्ट करना होता है, अपने सीक्रेट घर बनाने पड़ते हैं, एक्स बनने पड़ते हैं, पिकल बनने पड़ते हैं। ये दिन दिन का काम करना पड़ता है, क्योंकि रात में यहाँ पे ज़ॉम्बीज आते हैं, मॉन्स्टर आते हैं, तो उनसे बचने के लिए। तो यार आप यहाँ पे खेती वेती सब कर सकते हो, मतलब बिल्कुल ओपन वर्ल्ड गेम है ये भी एक तरीके से। तो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इस वाले गेम को माइनक्राफ्ट। तो यार देखिए थोड़ा दोपहर का टाइम सा हो रहा है यहाँ पर, तो यार हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे काफी पहले मुझे वुड कलेक्ट करना है। तो यार ऐसी सही है, मतलब कोई इतने कोई खास ग्राफिक्स नहीं है इसमें, मतलब ग्राफिक्स है नहीं, बिल्कुल बेकार है। तो यार ये मुझे वुड्स मिल ली है, कलेक्ट करते हैं यहाँ न्यू रेसिपी। तो यार हमारी न्यू रेसिपी अनलॉक हो चुकी है, न्यू रेसिपी अनलॉक, चेक योर रेसिपी बुक। तो यार पहले मैं थोड़ा बुक कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं रेसिपी बुक ओपन करूंगा। यार इस वीडियो में आपको इस गेम का पूरा गाइड मिलेगा, आप इसे कैसे खेलते हैं, क्या करना पड़ता है, सब कुछ। तो यार मुझे काफी सारा तो वुड मिल चुका है, और मुझे यार शाम होने से पहले ना अपना घर बनाना है ठीक ठाक सा, मतलब ज्यादा अभी मैंने स्टार्ट ही करा है, तो इतना कोई ज्यादा हाई फाई तो बनेगा नहीं, पर हाँ थोड़ा ठीक ठाक बन जाएगा। पहले हम वुड कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, जरा यार काफी सारी वुड हो गई, वैसे मैं 10 वुड कर लूँ पहले एक बार। यार 10 वुड हमारे हो चुके हैं, और यार आप इन्हें भी मार सकते हो अपना मीट वीट कलेक्ट करने के लिए, जिससे आपकी हेल्थ बढ़ेगी। तो पता नहीं गाय है क्या है, तो अरे आ जा, अरे हाथ नहीं आ रही। तो यार देखो मुझे मीट भी मिल गया। तो यार जल्दी से मैं अपनी रेसिपी बुक ओपन करता हूँ। तो यार ये रही मेरी रेसिपी बुक। तो यार सबसे पहले मुझे ना एक क्राफ्टिंग टेबल बनानी है। शो तो यार मुझे थोड़ा अच्छा वाला वुड मिल गया, थोड़ी और नई रेसिपी। तो यार क्राफ्टिंग टेबल मैं बना सकता हूँ, मेरे पास इतना आइटम है। तो यार मुझे क्राफ्टिंग टेबल का भी सामान मिल चुका है, ये ली मेरी क्राफ्टिंग टेबल। तो इसमें अपने इन्वेंटरी में डालता हूँ सबसे पहले तो, और इसकी कोई मुझे जरूरत है नहीं। तो यार सबसे पहले मैं घर बनाने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढता हूँ, और मैं थोड़ा सैंड और कलेक्ट करके लाता हूँ, थोड़ा वुड भी कर लेता हूँ, सैंड भी कलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे एग्स बनानी है, पिकल्स बनानी है, तो उसके लिए सैंड और वुड की नीड पड़ेगी। तो यार मैं सोच रहा हूँ ना एक अंडरग्राउंड से बहुत तकड़ा सा घर बनाऊँ, एकदम सीक्रेट टाइप, मजा आ जाएगा ऐसे अंडरग्राउंड घर में। तो चलो यार वुड तो मेरे पास काफी हो गए। तो यार मुझे मांगा ना सामने पानी के पास सैंड दिखाई दे रही है काफी सारे, तो यार ना अपना सैंड कलेक्ट करने चलते हैं। देखो यार सेंट तो थोड़ी सी यहाँ पे भी, थोड़ी सी यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ।
और यार ये नीचे पानी है हमारा। तो मैं जल्दी से अपनी सैंड कलेक्ट करता हूँ। तो जहां जहां से सैंड निकल जा रहा हूँ पानी वहां आता जा रहा है बिल्कुल। और मैं खुद ही मूव कर रहा हूँ, पानी का फ्लो इतना तेज है। देखो देखो खुद ही मूव कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे स्टैंड कलेक्ट करनी पड़ेगी, वरना रात होने का समय हो रहा है और यार मॉन्स्टर कभी भी आते होंगे। यार मेरी सैंड तो हो गई कलेक्ट। अपने घर बनाने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। मैं अपने में क्राफ्टिंग टेबल लगाऊंगा और अपना फिर अपना घर बनाएंगे। तो मैं थोड़ा सा मीट भी कलेक्ट कर लेता हूँ। चलो यार मीट में बाद में कलेक्ट कर दूंगा, पहले मैं यार मैं अपना घर की जगह ढूंढता हूँ कि मुझे कहाँ अपना घर बनाना है। तो यार मेरी थोड़ी सी हेल्थ कम हो गई है। तो यार सोच रहा हूँ कुछ ऐसी सी जगह ही अपना घर बना लो, पर मुझे कोई प्लेन जगह चाहिए यार। तो यार यहाँ बना लेते हैं अपना आज रात के लिए सोने का के लिए घर। ये जगह थोड़ी ठीक भी रहेगी, सेफ भी है। या फिर यहाँ ये क्या है, ये तो लीफ थी। तो यार मैं सोच रहा हूँ ना अपना घर यार यहाँ बना लेता हूँ, थोड़ा अंडरग्राउंड भी हो जाएगा और अपना घर भी थोड़ा ठीक से हो जाएगा। पहले मैं थोड़ी नीचे से खुदाई करता हूँ, पहले अपने घर की मैं बाउंड्री बना लेता हूँ। तो यार मैंने ना अपने घर की ऐसी ऐसी कुछ बाउंड्री सी बनाई है, और अब मैं से मतलब थोड़ा ऊपर से इसमें अपने कमरा टाइप में बना लेता हूँ, उसकी बाउंड्री से बनाता हूँ सबसे पहले। तो वो सबसे पहले मुझे चाहिए कि अपनी क्राफ्टिंग टेबल, मैं अपने यहाँ क्राफ्टिंग टेबल लगाता हूँ। इससे पहले पिक करता हूँ थर्ड नंबर पे मेरी क्राफ्टिंग टेबल। तो यार मेरी बीच में लगी है क्राफ्टिंग टेबल, और मैं जल्दी से यार अपनी एक्स बनाता हूँ। ओके तो यार मेरी फाइनली मेरी एक्स बन चुकी है। अब इसी जल्दी से मैं अपने इन्वर्टरी में डालता हूँ। ओके मुझे पिकल और बनानी है, ये मेरी बन गई। नहीं ये है पिकल, तो यार मेरी पिकल भी बन गई है। ओके तो यार जल्दी से मैं अपनी खुदाई स्टार्ट करता हूँ यार यहाँ पे, क्योंकि यार रात होने वाली है यहाँ पे। अब तो मैं अंडरग्राउंड खोदता हूँ यहाँ पे। और इसे यार ऊपर से कर लूंगा कवर। तो यार बस ठीक ठीक बस बनना है, काम चलाने लायक, क्योंकि रात होने वाली है और मॉन्स्टर आने वाले होंगे। ओके थोड़ा और नीचे जाते हैं यार। यार बस कोई केव ना निकल जाए, क्योंकि यार केव में पक्का मॉन्स्टर्स होते हैं। ओके तो यार ये मेरा कुछ ऐसे घर के नीचे जाने का रास्ता है, 1 2 3 स्टेयर्स नीचे। और तो यार मैं जल्दी से कवर करता हूँ अब। 6 7 8 सैंड जल्दी से इन्वर्टरी। और यार बस मेरा यार काम तो हो गया लगभग, ये मेरे ऊपर जाने का रास्ता रहेगा ही। तो यार मैं ऐसे आऊंगा, उस वाले को भी कर देता हूं मैं कवर, जिससे यार किसी को पता ना चले एकदम सीक्रेट। नहीं ये दोनों बेकार हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो यार बस अपना रात रात यार यहाँ रहते हैं, और अपना थोड़ा वो नीचे पहुंच जाते हैं जिससे किसी को बिल्कुल पता ना चले।
तो यार हम जमीन से काफी ऊपर आ गए हैं और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा अंदर की साइड। तो यार बस इस वीडियो में इतने लगते हैं, मैंने अपना सीक्रेट घर बना लिया वो जो काफी नीचे है जमीन ऊपर। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो यार अब जब तक अगर आपको ये सीरीज पसंद आई, अगर आपको ये अच्छा लगता है माइनक्राफ्ट, तो यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस जब तक के लिए गुड बाय।